अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक ठाक है ना? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सलामत रखे। चैप्टर नंबर 2, हाउ टू क्रिएट परफेक्ट यूट्यूब चैनल। आप में से तकरीबन हर बंदा हर बंदी यूट्यूब चैनल क्रिएट करना जानता है, जीमेल आईडी, गूगल आईडी क्रिएट करना जानता है, लेकिन क्या आप परफेक्ट यूट्यूब चैनल क्रिएट करना जानते हैं? क्योंकि यूट्यूब चैनल क्रिएट करते वक्त 5-7 बहुत अहम पॉइंट होते हैं जिनके बारे में यकीनन आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने इस चैप्टर में वही 5-7 पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा, उन्हीं के बारे में आपको गाइड करूंगा, जिसकी वजह से आप एक परफेक्ट यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने पहले यूट्यूब चैनल बनाया है काफ़ी अर्सा पहले या कुछ दिन पहले, लेकिन आपको उसमें कामयाबी नहीं मिली, तो मेरा मशवरा है कि आप अपने उस चैनल को भूल जाएँ। आपने उस पर जितनी भी मेहनत की है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, उसको भूल जाएँ। बिल्कुल एक नई शुरुआत करें, एक नए मोबाइल नंबर के साथ, एक नए इंटरनेट कनेक्शन के साथ। दोबारा सुन लें, एक नए मोबाइल नंबर के साथ, एक नए इंटरनेट कनेक्शन के साथ। क्योंकि जितना वक्त आपको अपने उस चैनल को रिकवर करने में लगेगा, उससे जल्दी आप इस तरीके से अपने नए चैनल को ग्रो कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे इस चैप्टर के साथ ही आप आज से अल्लाह का बाबरकत नाम लेके नई शुरुआत करें, नया आगाज करें। तो चलिए सीखते हैं हाउ टू क्रिएट परफेक्ट यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने YouTube पर प्रोफेशनली काम करना है, एक्यूरेट काम करना है, इससे अर्निंग करनी है, तो मेरा मशवरा है कि आप अपने मोबाइल के बजाय घर में एक लैपटॉप पीसी बनवा लें, छोटा सा बनवा लें, 8-10-12 हज़ार का बन जाएगा। उस पर आप प्रॉपरली काम करें, क्योंकि जो फीचर्स, जो ऑप्शंस, जो माहौल और जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी लैपटॉप पीसी पर मिलती है, वो आपको मोबाइल पर हरगिज नहीं मिलेगी। तो अगर आपने प्रोफेशनली वर्क करना है, तो छोटी स्क्रीन के बजाय बड़ी स्क्रीन को यूज़ करें। तो मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप पर। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना जो YouTube चैनल क्रिएट करना है, वो जीमेल आईडी के जरिए नहीं करना, पुरानी आईडी के जरिए नहीं करना, गूगल अकाउंट में जाके वहाँ से अपनी आईडी नहीं बनानी, बल्कि आपने YouTube को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने साइन इन पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी फॉर माई सेल्फ, फॉर माई चाइल्ड, टू मैनेज माई बिजनेस। यहाँ पर आपने थर्ड ऑप्शन को चूज़ करना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपको नया मेन्यू मिलेगा। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम देना है और यहाँ पर आपने अपना एक जीमेल अकाउंट देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी क्रिएट न्यू जीमेल एड्रेस इंस्टेड। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपने अपना एक नया जीमेल अकाउंट बनाना है। यहाँ पर अपना आप कोई भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड देना है, डोंट यूज़, कोई भी आप पासवर्ड रखना चाहें वो रख लें। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेव करना चाहें सेव कर दें, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर आपने अपने पहले वाले नंबरों में से कोई नंबर नहीं देना, एक नई सिम निकलवा लें, उसी का इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करें और उसी से आप अपना अकाउंट बनाएं। रिकवरी के लिए अपना कोई भी ईमेल दे सकते हैं आप। और उसके बाद आपने डेट्स देनी है, बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहां पर आपने एग्री करना है। तो ये हमारा अकाउंट रेडी हो चुका है। योर गूगल अकाउंट इज ऑल सेट, नाउ ऐड योर बिजनेस प्रोफाइल। अब इन बातों को ध्यान से देखते जाएं और समझते जाएं, क्योंकि बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं। यहां पर आपने नोट नाउ पे क्लिक करना है। ये आपके सामने YouTube ओपन हो चुकी है, आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहां पर आपने अपनी प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट अ चैनल। अब यहां पर आता है सबसे अहम पॉइंट, एक सबसे अहम मसला और सबसे जरूरी बात, आपने अपने चैनल का नेम क्या रखना है, आपने किस टॉपिक पे काम करना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, एक दिन लगाएं, दो दिन लगाएं, तसल्ली से बैठ के सोचें कि आपका किस काम में इंटरेस्ट है, आप क्या काम कर सकते हैं। आपने देखा देखी में कोई चैनल नहीं बनाना, अपने शौक से अपना काम करना है, आपने अपने शौक को, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। बेशुमार लोग देखा देखी में चैनल बना लेते हैं कि उसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं, मैं भी उस पर काम करता हूँ, मैं भी कामयाब हो जाऊँगा, हरगिज़ नहीं। आपने अपने शौक को देखते हुए अपना काम करना है और वो काम करना है जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जिसका ट्रेंड चल रहा हो। आप कोई दुकानदार हैं, कोई वर्कर हैं, कोई एम्प्लॉय हैं, कुछ भी हैं, कोई स्कूल टीचर हैं, आपने तसल्ली से बैठ के सोचना है कि आपको किस काम में बहुत ज्यादा महारत है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तभी आप अपने चैनल में कामयाब हो सकेंगे। देखा देखी में चैनल बनाने वाला काम आपने हरगिज नहीं करना। और उसके बाद दूसरी बात, आपको चैनल नेम का आइडिया कैसे मिलेगा? या तो आप अपने नेम से अपना चैनल बनाए, जैसे मैंने बनाया हुआ है। अगर आप कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आइडिया कहां से मिलेगा नाम बनाने का, उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूं। उसके लिए आपने चले जाना है अपनी नई टैब में, यहां पर आपने लिखना है नेम लिक्स। ये आपके सामने आ चुकी है नेम लिक्स।
इसमें आपका कोई भी फील्ड है, आप किसी भी टॉपिक पर काम करना चाहते हैं अपने नाम के अलावा या अपने नाम के साथ भी, आप इस पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपको बेशुमार आइडियाज़ मिलेंगे, जैसे FAISAL, इसी को देखें जनरेट, और यहाँ पे ये बताता है कि आपको शॉर्ट नेम चाहिए, मीडियम नेम चाहिए, लॉन्ग नेम चाहिए, जो भी आप रखना चाहें। मैं इसमें मीडियम कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये बताता है कि आपको ब्रांडेबल नेम चाहिए, आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज दे रहा है, आप यहाँ से कुछ भी ट्राई करके चेक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप पॉपुलर को ही ले लें ब्रांडेबल नेम, और उसके बाद आप जनरेट पे क्लिक करें। ये आपको यहाँ पर बेशुमार नेम के आइडियाज़ देगा, रेडीमेड लोगो बना के दे देगा आपको, तरह तरह के आपको नेम आइडियाज़ दे देगा यहाँ पर। ये देखें मैंने फैसल लिखा है, फैसल पी, फैसल एम, इसी तरह फैसल्स, ये देखें बेशुमार आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएंगे, एम फैसल, फैसल नेट, जी फैसल। इस तरीके से आपको जो भी आप लिखते हैं अपना कोई भी नेम, कोई भी ब्रांड, कोई भी टॉपिक, वो यहाँ पर आपको रेडीमेड आइडियाज़ देगा। आपको सोचने में, समझने में आसानी होगी कि आपने अपने चैनल का नाम क्या रखना है। तो यहाँ से आपने आइडिया लेना है, उसके बाद आपने वापस आके अपने चैनल का नेम रखना है। और फिर बता रहा हूँ, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं करनी, एक दिन लगाएं, दो दिन लगाएं, हफ्ता लगा लें, तसल्ली से आपने ये काम करना है, क्योंकि ये पहला स्टेप है जो आपकी पूरी जर्नी में आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको कामयाब करेगा। तो मैं यहाँ पर नेम रख देता हूँ यूट्यूब। उसके बाद क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है आपने। तो ये हमारा चैनल क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद जो अहम पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आप लोग गलती करते हैं या उसको छोड़ देते हैं, उस पर गौर ही नहीं करते जबकि वो बहुत ही अहम पॉइंट हैं, वो क्या क्या हैं उनको समझ लें अच्छी तरह। आपने यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज चैनल। इस पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो आपके सामने आती है, यूट्यूब स्टूडियो। तो वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, ये हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो आ चुका है। उसके बाद आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है चैनल पर। चैनल पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है फीचर एलिजिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पर आपके सामने तीन चीज़ें आ रही हैं, स्टैंडर्ड फीचर्स आपके एनेबल हैं, इंटरमीडिएट फीचर्स आपके एनेबल नहीं हैं, और एडवांस फीचर भी आपके पास एनेबल नहीं है। इनको आपने एनेबल कैसे करना है, इस पर क्लिक करते हैं आप। उसके बाद आपने यहाँ से वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर अपने चैनल को वेरीफाई करना है, तभी आपके पास तमाम फीचर्स आ सकेंगे। यहाँ पर आपने अपना वही नया नंबर देना है जिसके साथ आपने अपना चैनल बनाया है। ये मेरे पास कोड आ चुका है। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। फोन नंबर वेरीफाइड, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर फोन नंबर हैज नाउ बीन वेरीफाइड। उसके बाद आपने वापस आ जाना है। ये देखें ऑटोमेटिकली ये एनेबल हो चुका है। उसके बाद है ये एडवांस फीचर्स, इनको फिलहाल एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, या बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्लोज पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने आ जाना है कस्टमाइजेशन पर। इसके बाद आपने क्लिक करना है बेसिक इन्फो पर। इसके बाद अबाउट में आपने अपने चैनल की डिटेल डालनी है, डिस्क्रिप्शन डालनी है कि आपका चैनल किस बारे में है, आपका क्या टॉपिक है। ये बहुत ज़रूरी सेक्शन है, इसको अपने लाजमी फिल करना है, इससे यूट्यूब और आपके व्यूवर को आपके चैनल को समझने में आसानी होती है। उसके बाद है चैनल URL, जैसे है youtube.com/faisalshabeer। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका चैनल 30 दिन पुराना हो जाएगा और आपके चैनल पर कम से कम 100 सब्सक्राइबर हो चुके होंगे। और उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट इन्फो में अपना ईमेल एड्रेस देना है, जिसके जरिए लोग आपसे राब्ता कर सकें, आपको प्रमोशन दे सकें, आप उनकी पेड प्रमोशन कर सकें। उसके बाद आपने क्लिक करना है ब्रांडिंग पर। ब्रांडिंग पर आने के बाद आपने अपना लोगो देना है, अपना एक बैनर बनाना है, वीडियो मार्क देना है। यहां पर आपने अपनी कोई भी पिक्चर या अपने चैनल का लोगो तैयार कर लेना है। ये साइज लिखा हुआ बता रहा है कि आपका साइज क्या होना चाहिए, 98x98 पिक्सल होना चाहिए मैक्सिमम, और 4 MB से ऊपर उसका साइज नहीं होना चाहिए। PNG फाइल हो तो सबसे बेस्ट है, जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। और उसके बाद आपने अपना यूट्यूब का बैनर देना है, उसका साइज ये बता रहा है क्या साइज होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये बैनर है और ये आपका लोगो है, यही आपका वाटरमार्क है। इस तरीके से आपने इनको बना लेना है। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में बना सकते हैं, फोटोशॉप में बना सकते हैं, पिक्सआर्ट में बना सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में बना के, कैनवा में बना सकते हैं। बना के आपने यहाँ पे लगाना है, और ये लाजमी लगाने हैं, तीनों काम आपने लाजमी करने हैं, प्रोफाइल पिक्चर, बैनर इमेज, वीडियो वाटरमार्क। और उसके बाद सेटिंग में दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन मेन अहम पॉइंट और भी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, उनको भी समझ लें आप। यहाँ पर आपने चैनल पे क्लिक किया आपने, तो यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी कंट्री से हैं, जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं, वो कंट्री आपने हर हाल में सेलेक्ट करनी है। जैसे पाकिस्तान, ये यहाँ पे पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान में काम करना है, आप उर्दू में काम करेंगे तो उसमें आपको यूट्यूब आपको ज़्यादा रीच पाकिस्तान से देगा, आपका चैनल जल्दी ग्रो करेगा। और उसके बाद आपका चैनल जिस भी टॉपिक पर है,
मैक्सिमम तीन चार टैग, ज्यादा टैग नहीं करने हैं, स्पैमिंग नहीं करनी। आपने अपनी हर वीडियो में एक दो या मैक्सिमम तीन टैग्स ही यूज करने हैं, जैसे मैं करता हूँ। यहाँ पर आपने अपने वो टैग्स दे देने हैं। उसके बाद है एडवांस सेटिंग। आपका चैनल किस बारे में है, बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है, या बच्चों के लिए नहीं है सिर्फ बड़ों के लिए है, तो वो ऑप्शन आपने यहाँ पे लाजमी सेट करनी है। अगर आपका चैनल है प्रोफेशनल है, किसी बड़े टॉपिक पे है, तो आपने नो पे क्लिक करना है। अगर आपका चैनल बच्चों के लिए है तो आपने यस पे क्लिक करना है। तो इसको अपने बाई डिफॉल्ट नो पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आती है डिस्प्ले दी नंबर्स ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसको आपने हमेशा ऑन ही रखना है। कुछ लोग इसको हाइड कर देते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर कोई ना देख सके। अरे भाई, क्या फर्क है, क्यों नहीं दिखाना चाहते आप? दिखाएं, आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे रहा है, इससे दूसरों को मोटिवेशन मिलती है। मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड नहीं किया हुआ, आपके सामने है, आप देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं ना, तो इसलिए इसको आपने ऑन रखना है, डिसेबल नहीं करना। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके चैनल की बेसिक सेटिंग हो चुकी है, इंपॉर्टेंट सेटिंग हो चुकी है, आपका चैनल क्रिएट हो चुका है, ब्रांडिंग हो चुकी है, बेसिक इन्फो आपने ऐड कर दी है, अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लिया है, अपना नंबर साथ आपने अटैच कर दिया है, अपना नेम रख लिया है, और आपने अबाउट सेक्शन में जाके मुकम्मल डिटेल अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो दे दी है। तो इस तरीके से आपका एक परफेक्ट यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है। ये देखें, डैशबोर्ड आपके सामने आ चुका है आपका। तो यहाँ पर आपको अपने चैनल की मुकम्मल डिटेल्स मिलती रहेंगी, वीडियोस की डिटेल मिलती रहेगी। तो ये है एक मुकम्मल परफेक्ट यूट्यूब चैनल क्रिएशन। मोबाइल की निस्बत डेस्कटॉप पर काम करें बहुत ज़्यादा इजी है, फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के साथ है। तो अगर आप आज से बिस्मिल्लाह करने लगे हैं, आज से अल्लाह का नाम लेकर ये काम शुरू करने लगे हैं, तो मेरा मशवरा है कि सबसे पहले अल्लाह की राह में सदका खैरात करें, दो नफल हाजत के अदा करें, अल्लाह पाक से दुआ करें, एक अच्छा काम करें, अच्छे टॉपिक्स पर काम करें, बेहुदा काम करने से गुरेज करें। इंशाल्लाह मेरे साथ चलते रहेंगे तो 2 से 3 माह के अंदर अपने चैनल को आप स्टैंड कर पाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसके अलावा आप चैनल क्रिएशन में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ लें। कल मैं कमेंट्स के रिप्लाई की वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस सीरीज का जो अगला चैप्टर आएगा वो इंशाल्लाह, अलार्म लगा लें, रिमाइंडर सेट कर लें, बिल्कुल वीडियोस को मिस ना करें। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए कर रहा हूं, बेशक अल्लाह पाक इसके ज़रिए मुझे भी रिस्क अता कर रहा है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके अलावा जिन जिन लोगों को आप जानते हैं जो यूट्यूब चैनल पर काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे, तो मेरा ये चैप्टर, मेरी ये सीरीज़, मेरी ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये आपका फ़र्ज़ बनता है और मेरा हक बनता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम।